आज के टेक अपडेट्स में आपका स्वागत है। फर्स्ट अपडेट है एलॉन मस्क के एक्स की ओर से। सीईओ लिंडा याकारिनो ने स्पष्ट किया कि एलॉन मस्क का एक्स प्लेटफॉर्म एक विशेष टीवी ऐप के साथ यूट्यूब को चुनौती देने की योजना बना रहा है। उद्देश्य उपयोगकर्ताओं को छोटे स्क्रीन से बड़े स्क्रीन तक एक स्मूथ अनुभव प्रदान करना है। नेक्स्ट अपडेट से पहले, अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। सेकंड अपडेट्स है टेस्ला की ओर से। एलॉन मस्क के अनुसार टेस्ला अगले साल के अंत तक ऑप्टिमस रोबोट बेचना शुरू कर सकती है। नेक्स्ट अपडेट है एप्पल इवेंट की ओर से। एप्पल 7 मई को अपनी लेट लूज इवेंट का आयोजन कर रहा है। साथ ही कम डिमांड के कारण एप्पल ने विजन प्रो की शिपमेंट को कम कर दिया है। नेक्स्ट अपडेट है माइक्रोसॉफ्ट की ओर से। माइक्रोसॉफ्ट ने स्मार्टफोन पर चलाने के लिए नया एआई मॉडल फाई 3 लॉन्च किया है। इस मॉडल का प्रशिक्षण बच्चों के शिक्षा विधियों से प्रेरित किया गया है। नेक्स्ट अपडेट है जुकरबर्ग की ओर से। मार्क जुकरबर्ग मानते हैं कि एआई हमेशा मानवता की सेवा करेगी जब तक कि हम कुछ अधिक गलती न कर दें। साथ ही मेटा की अपडेट है कि मेटा की रेबैन स्मार्ट ग्लासेस अब उपयोगकर्ताओं को व्हाट्सएप के माध्यम से वीडियो कॉल करने की सुविधा प्रदान करेंगी। नेक्स्ट अपडेट है हुवाई की ओर से। चीन की हुवाई ने इंटेलिजेंट ड्राइविंग के लिए एक नया सॉफ्टवेयर ब्रांड लॉन्च किया है। साथ ही भारत में दिसंबर 2023 में 936 मिलियन से अधिक इंटरनेट सदस्यता को रिकॉर्ड किया गया। नेक्स्ट अपडेट है अंतरिक्ष यान वॉयेजर 1 की ओर से। नासा ने पृथ्वी से सबसे दूर के अंतरिक्ष यान वॉयेजर 1 की कुछ महीनों की खामोशी के बाद संपर्क स्थापित किया है। नेक्स्ट अपडेट है जेमिनी एआई की ओर से। गूगल के जेमिनी एआई सहायक को एक नया फ्लोटिंग विंडो और स्वचालन सुविधाएं मिल सकती है। नेक्स्ट अपडेट है फॉलआउट गेम की ओर से। प्राइम वीडियो टीवी सीरीज के सहायक के कारण फॉलआउट गेम्स का लोकप्रियता में वृद्धि हुई, जिससे एक दिन में 5 मिलियन लोग कनेक्ट हुए। नेक्स्ट अपडेट है सैमसंग की ओर से। सैमसंग की आगामी गैलेक्सी रिंग विभिन्न पसंदों के लिए 8 विभिन्न आकारों में उपलब्ध होगी। धन्यवाद। अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।